होली का त्यौहार हलोत्साह से मनाया जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंत्री ममता भूपेश अपने समर्थकों के साथ में होली मना रही है, कलर लगा रही है। मैडम, किस तरीके का जोश है, होली मना रहे हैं सब? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जनता बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ सारे समाज के लोग इस होली के राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से हमारे जीवन में खुशियों का रंग होता रहे और हमसे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य हो सकते हैं जनता के परिवार में रंग भरने के, उनको हम बखूबी करते रहे। मैं सिकराई की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इज्जत से नवाजा और आज जो दिन ये मैं देख रही हूँ सिकराई विधानसभा क्षेत्र की जनता की वजह से देख रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि पब्लिक और मेरे बीच में प्रेम और विश्वास का रिश्ता कायम रहे। देखिये, हमारे लिए तो हर साल ही चुनावी साल था। हमने 5 साल लगातार जनता के लिए सेवा करने का प्रयास किया, विभिन्न योजनाएं लेकर आई सरकार के माध्यम से, हर स्तर पे हम लोगों ने कार्य किया। तो चुनावी साल मुझे हर साल ही लगा, अब ये इस साल हमारे चुनाव में तो मेरे कार्यकर्ताओं का विश्वास और दृढ़ निश्चय मुझे इतना भरोसा दिलाता है कि हमको चुनाव से किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, हम जीत के निकलेंगे। महत्वाकांक्षी योजना थी उड़ान योजना, किस तरीके की तैयारियां हैं, ग्राउंड लेवल कितना काम हो चुका है? देखिए, उड़ान योजना एक अपने आप में बहुत बड़ी योजना थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को प्रति माह सैनिटरी नैपकिन मिल रहे थे। चरणबद्ध तरीके से इस योजना को हम लोग लेकर आ रहे हैं। 60-70% ये योजना अभी गांव तक पहुंच चुकी है, 20-30% अभी और पहुंचनी बाकी है, जिसको भी हम जल्दी ही इसको पूरा 100% लेकर आएंगे। अंतिम सवाल, वीरांगनाएं धरने पर बैठी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वीरांगनाओं के लिए हमारी सरकार तो समर्पित है और वार्ता करके कोई हल अच्छी तरह से निकल सकता है। अब ये धरना प्रदर्शन तो मैं समझती हूँ कि हर चीज का हल नहीं होता, सरकार से अच्छे स्तर पे वार्ता की जाए। और वैसे भी आपको भी पता है, अपने यहाँ पर भी कई शहीद हुए हैं दौसा जिले में, उनको उचित पैकेज भी दिया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी के समय 70 लोगों को मारा गया था, तब भी उनको सरकारी नौकरियां और उनको विशेष पैकेज दिया गया था, तो तब भी हमारी सरकार आई थी 2008 में और उन्होंने साथ में लोगों को, शहीदों को मारा था एक तरह से, गुर्जर समाज के लोगों को। तो वो जो शहीद हुए थे उनके प्रति भी सरकार संवेदनशील थी और आगे भी रहेगी। हमारा सरकार का जो पैकेज है वो बराबर, जो एक नियम लॉ है, बाय एंड लॉज बना हुआ है, उसके आधार पर रहेगा। उसके विपरीत होके कोई काम करने की बात करें तो वो एक अलग वार्ता का विषय है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह का रंग छाया हुआ है, समर्थक लगातार देख रहे हैं, यहाँ काफी संख्या में होली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं, जो लगातार होली कर रहे हैं, यहाँ डीजे की तैयारी कर रखी है। अभी यहाँ थोड़ी देर में डीजे चलेगा और हलोत्साह से मनाया जा रहा है।